क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय यीशु की। ईश्वर प्रेम है। प्रभु का वचन यिर्मयाह 31:3 में लिखा है, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ। इजाया 54:10 कहता है, चाहे पहाड़ टल जाएं और पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। पिता ईश्वर मुझे बहुत चाहता है, वह मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं उसके प्यार को अनुभव नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पापी हूँ और पाप के कारण मैं ईश्वर के प्रेम से अलग हो गई हूँ। जैसा कि लिखा है रोमियो 3:32 में, सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। इजाया 59:2 में लिखा है, तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया और तुम्हारे पापों ने ईश्वर से तुमको विमुख कर दिया। अब इस बात का समाधान तभी हो सकता है जब कोई मेरे पापों के बंधन से मुझे छुड़ा दे। जैसे कोई अंधा व्यक्ति अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, वैसे ही कोई पापी मनुष्य दूसरे पापी मनुष्य को पाप से नहीं छुड़ा सकता। इसलिए ईश्वर ने मुझे पाप से छुड़ाने के लिए स्वयं इस धरती पर जन्म ले लिया। यीशु पाप रहित थे और उनका जन्म भी पाप रहित था। उन्होंने मेरे लिए अपने आप को अर्पित कर दिया। योहन 3:16 में प्रभु का वचन यह कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। इस शुभ संदेश को सबसे पहले स्वर्गदूतों ने गा गा कर चरवाहों को सुनाया और ये खुशी को देखने के लिए ज्योतिषी पूर्व देशों से लंबी यात्रा करके बैतलहम पहुंचे। उनका मार्गदर्शन एक तारे ने किया और तारा जिस स्थान पर रुक गया वही था यीशु का जन्म स्थान। इसलिए हम क्रिसमस के त्योहार पर अपने घरों के सामने तारा लगाते हैं, जिससे लोग यह देखकर समझ जाएं कि इस घर में प्रभु का जन्म हुआ है और यहाँ यीशु रहते हैं। यह मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि अब मेरे पाप मिट जाएंगे और मैं पाप मुक्त होकर फिर से अपने ईश्वर से मिल सकूंगी और बातें कर सकूंगी। वाह, यह कितना अच्छा पल होगा। आइए हम सब मिलकर हर्ष और उल्लास के साथ ये क्रिसमस का त्योहार मनाएं और खुशी के गीत गाएं। फरिश्तों ने जमीन के लोगों को उतर आया जहाँ में अब सदा इंसान बनकर है दिया उम्मीदों का जहां बंदर उतर आया जहां में अब खुदा इंसान बनकर है दिया वा। जो बैठे हैं अंधेरे
देने, गमों में रहने वाले जिंदगी की हर खुशी ले ले। आया है क्रिसमस के त्योहार को सही रीति से मनाने की तैयारी करें। हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, अपने हृदयों को शुद्ध करें, ताकि सच में प्रभु यीशु हमारे दिलों में, हमारे घर में जन्म ले। हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु के प्रेम और बलिदान का ये संदेश संसार के हर एक जन तक पहुंचे। आमीन।